नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की। हरियाली तीज आज मनाई जाएगी। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें व्रत रखेंगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज या हरियाली तीज कहते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके पारण करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के मंत्रियों व सचिवों के पत्रों पर समय से जवाब न दिए जाने पर नाराजगी जताई है। इसके बाद मुख्य सचिव आर के तिवारी ने शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। सिख विरोधी दंगों की जांच अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। SIT ने 11 मुकदमों की जांच पूरी कर ली है। 9 केस बंद कर दिए गए हैं। जिन केसों की जांच पूरी की गई उसमें से 54 आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। सभी का सत्यापन भी हो चुका है। जीवनदायिनी गंगा के रौद्र रूप से काशी की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं और घाटों से काफी आगे निकल चुकी है। गंगा की धारा अब सड़कों पर प्रवाहित हो रही है। खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है। हालत ये है कि अब पानी शहर की ओर बढ़ता जा रहा है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि ओलंपिक के सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साहवर्धक बातों का अद्भुत असर हुआ। इस बातों ने खिलाड़ियों में सकारात्मक ऊर्जा पैदा की और टीम 41 साल बाद इन खेलों में पदक जीतने में सफल रही। उन्होंने कहा, सेमीफाइनल हारने के बाद हम अभी सभी बहुत निराश थे। तभी कोच ने आकर कहा कि प्रधानमंत्री आप लोगों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आप सभी ने अच्छा खेला और निराश ना हो, बस अपने खेल और अगले मैच पर ध्यान दें। देश को आप सभी पर गर्व है। जम्मू में पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश आतंकी संगठन अलबद्र के कमांडर यूसुफ बलोच ने रची थी। वह इस समय पाकिस्तान में है। इस साजिश में पुलवामा के रहने वाले अबरार उबेदुल्ला राही हुसैन भट्ट भी शामिल थे, जबकि साजिश को अंजाम देने के लिए पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के नर्सिंग के छात्र सुहेल बशीर को चुना था। सुहेल भी पुलवामा का रहने वाला है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बायोसाइंसेंस कंपनी घोड़ों की एंटीबॉडी से बनाई गई कोरोना वायरस की एक नई दवा का परीक्षण कर रही है। अगर ये दवा सभी परीक्षणों में सफल होती है तो ये कोरोना के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए अहम भूमिका निभाएगी। ये इस तरह की भारत की पहली स्वदेशी दवा होगी जिसका इस्तेमाल संक्रमण के इलाज के लिए किया जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व गांधी परिवार करे या कोई गैर गांधी, विपक्षी नेताओं को इससे मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस की रीति नीति और कार्यशैली में बदलाव और सुधार होना चाहिए। सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के आवास पर बुलाई गई विपक्षी दलों की रात्रि भोज बैठक का लबोलुआब यही है। साथ इस बैठक का एक और संदेश है कि कांग्रेस को सभी विपक्षी दलों के बीच सर्वस्वी कार्य बनाने में कपिल सिब्बल एक ऐसी कड़ी हो सकते हैं जिसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी एकता कोई सर्वमान्य फार्मूला और रास्ता निकाल सकता है। मिश्रित वैश्विक संकेतों के बीच आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी यानी दिन बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर कारोबार खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 141.75 अंक 0.26% ऊपर 54,696.41 के स्तर पर खुला। इस दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 49.90 अंकों 0.31% की बढ़त के साथ 16,330 के स्तर पर खुला। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 1690.88 अंक यानी 3.21% के लाभ में रहा। शुरुआती कारोबार में 10.99 शेयरों में तेजी से आई। 760 शेयरों में गिरावट आई और 84 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सेंसेक्स ने 54,779.66 और निफ्टी ने 16,359.25 के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया था। पंजाब में सियासी उठापटक जोरों पर है और कांग्रेस में खासा घमासान मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं। वह आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से ये खबर आई है। मंगलवार को ही अमरिंदर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।